आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे. खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधला सुद्धा धारावी जिथे येते तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे. त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत. यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाडी धर्म असतो तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे. त्यामुळं त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही. आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे. एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे. आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असे म्हणेल. आव्हान तर आमचं आहेच आहे. अजूनही काही वेळ गेलेली नाही. अजूनही एकत्र बसलं पाहिजे, मार्ग काढले पाहिजे. मी आता शिवसेनेने जाहीर केली यादी किंवा वंचितने आज निर्णय काही घेतला या सगळ्यांच्या बाबतीत फेरविचार करणं आणि आघाडी म्हणून आम्ही पुढे जाणं ही काळाची गरज आहे. शेवटी आघाडी धर्म म्हणून काही गोष्टीची काळजी आम्ही तिघांनी घेतली पाहिजे आणि आमच्या मित्रांनी घेतली पाहिजे. दुर्दैवाने ती घेतलेली दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की चार सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है पांचवें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे. मतलब मुंबई की छह सीटों में से पांच सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और एक सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई. यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है. मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं सबसे पहली बात की. और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं. शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं. उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली. जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है. और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है. हम इसका सरासर विरोध करते हैं. कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं. दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं, क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी.